दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज का नीमच मंडी का आवक का अपडेट देख लेते हैं, सभी जिन्सों का कैसा है, लहसुन प्याज और सभी का। ये प्याज का छपरा है, आप आवक देख सकते हैं, कुछ ट्रैक्टर वाहन से खाली हो रहे हैं, तो लगभग 700 कट्टों के आसपास प्याज की आवक है। हाल फिलहाल कोई ज़्यादा आवक नहीं है, मगर लहसुन में आवक बम्पर है। कल शनिवार का अवकाश रहेगा, शनिवार रविवार दो दिन लगातार मंडियाँ बंद है। शनिवार को लॉकडाउन होने की वजह से मंडियों का अवकाश है। इसके अलावा दोस्तों एक और सूचना है कि मंडियां आगे भी शायद बंद हो सकती है, ऐसी चर्चाएं चल रही है, तो इसकी विस्तृत सूचना जैसे भी मुझे मिलेगी तो मैं आपको सूचित करूंगा, क्योंकि आज ऐसी कोई जिलाधीश महोदय की कोई मीटिंग है जिसमें कुछ निर्णय हो सकता है आगे लॉकडाउन के ऊपर, तो उसकी सूचना में भी मैं आपको दे दूंगा। बाकी कल तो अवकाश ही है शनिवार और रविवार का। इसके अलावा आवक की बात किया जाए, लहसुन की आवक कैसी है, तो लहसुन गेट के बाहर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है, तो उनको तो लगता है कि प्रवेश आज शायद ही मिलेगा और प्रवेश नहीं मिलेगा, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अंदर भी आवक फुल है। कट्टों में बात किया जाए तो 14,000 कट्टों के आसपास आवक है। कल का पेंडिंग माल भी जिसमें शामिल है 3,500 बोरी कल का पेंडिंग माल है। कुल आवक कट्टों में 14,000 और वाहनों में है लगभग 115 वाहन के आसपास, 115 वाहन लगभग 3,500 बोरी के आसपास वाहनों में आवक है और 14,000 ये, तो लगभग 17,500-18,000 के आसपास की आवक है, तो लगता नहीं है कि बाहर का माल अंदर आ सकता है, क्योंकि अंदर भी आजकल 14,000-15,000 से ज़्यादा माल बिक नहीं रहा है, तो बाहर के वाहनों की स्थिति असमंजस वाली है, उनको प्रवेश मिले या ना मिले, और वैसे तो दिख इसी हिसाब से रहा है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कल शनिवार का लॉकडाउन है और आव के मंडी के अंदर ही अभी इतनी है 17,000-18,000 के आसपास की आव के, तो ये माल सारा बिकना भी मुश्किल दिख रहा है, तो ये माल बिक जाए अंदर का, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर का माल बिक जाएगा, बाहर का कह नहीं सकते हैं। अन्य जिन्सों की आवक की बात करें तो जो मेन गेट है जिधर से सभी जिन्सों को प्रवेश दिया जाता है लहसुन को छोड़ के, वहाँ पर भी लगभग 100 वाहन बाहर खड़े हुए हैं, लगभग 100 वाहन की आव के वहाँ पर भी बाहर देखने को मिल रही है। प्रांगण के अंदर कल का सोयाबीन 2,500 बोरी के आसपास पेंडिंग रह गया था, और वो सब मिलाकर पेंडिंग और नया जूना मिलाकर आवक मान के चलिए आप 14,000 से ऊपर ही आवक है प्रांगण के अंदर, 14,000-15,000 के आसपास, तो आवके बम्पर ही है सोयाबीन में। इसके अलावा गेहूँ की आवक लगभग 8,500-8,000 बोरी के आसपास में आवक है, जो 101 बोरी मक्का 201 बोरी के आसपास की आवक है, और दलहन में चना लगभग वही 1,500 बोरी के आसपास, डालर चना 200 बोरी के आसपास, उड़द फुड़द नहीं के बराबर है, और अन्य जिन्सों में किराना जिन्स कलौंजी लगभग 1,300-1,400 बोरी के आसपास। कलौंजी का कल एक स्पेशल वीडियो हमने दिया था कि बाजार आज कैसे रह सकते हैं, वो भी अवश्य देखें, उम्मीद और आशा है वैसा ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा धनिया लगभग 1,000 बोरी के आसपास में है, और धनिया के अलावा अन्य आवक की बात करें, मेथी दाना लगभग 1,500 बोरी, अलसी लगभग 700-800 बोरी के आसपास में अलसी की आवक है, और पोस्ते की आवक भी लगभग 400 कट्टे हाल फिलहाल नज़र आ रहे हैं, तो आवक अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये है नीमच मंडी की लगभग सभी जिन्सों की आव के, आने वाले समय में लॉकडाउन की स्थिति क्या रहेगी तो उसका भी आपको सूचना दे दिया जाएगा मंडी चलने के और न चलने के संबंध में। कल शनिवार का तो मंडी का अवकाश ही रहेगा। ये है नीमच मंडी का अपडेट, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें। लाइन खुदवाने हेतु आप संपर्क करें सुनील जी पटेल साहब, गांव चांदेर, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, 9977174444। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं पाइपलाइन खुदवाने हेतु है।